अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। तो दोस्तों अभी ऊपर आया हूँ मैं और जो है ना फौजी चेक करें खुल गया है मेरे से। तो अभी जो है ना मैं ऊपर आया हूँ और मैंने ना देखा एक बैड न्यूज़ हो गई है, बहुत ही बड़ी वाली बैड न्यूज़ हो गई है समझ लें। कल जो हमारी कबूतर एक बीमार हुई थी ना, हालांकि उसको मैंने मेडिसिन भी दी थी, वीडियो में नहीं दी थी लेकिन दिन में उसको मैंने दो बार मेडिसिन दी थी, कल सुबह में भी दी थी और कल शाम में भी दी थी उसको मेडिसिन, लेकिन जो है ना ये जो है ना बच नहीं सकी। पता नहीं क्यों अजीब इसका सीन हुआ है, बिल्कुल जो है ना इसको खाली मोशन लगे हुए थे और मेडिसिन मैंने इसको दो टाइम दी दिन में, लेकिन फिर भी आज जो है ना मर गई। इसको ना मैंने यहीं पर ही बंद किया था ब्रीडिंग केज में, इसको वापसी नहीं लेके गया था मैं। बाकी का जो हमारा बेबी भी जिंदा ना, उसको और बब्बर शेर को भी अभी चेक करेंगे। तो अभी जो है ना इसको जल्दी से बाहर निकाल लेते हैं, मुझे लग रहा है इन सारे नरों ने मिल के ना इसको मार दिया होगा। तो इसको जो है ना बाहर निकाल लेते हैं, ब्रीडिंग के लिए लेकर आए थे, बल्कि इनको भी खोल ही देते हैं जल्दी से, तुम लोग भी बाहर आ जाओ। तो बेचारी जो है ना बच नहीं सकी, एक ही दिन में ना मर गई। तो दिन में दो बार मेडिसिन देने के बावजूद भी, हालांकि मेडिसिन भी ऐसी थी कि बिल्कुल मिक्स मेडिसिन थी, उसमें ना काफ़ी सारी दवाइयाँ मिक्स की हुई थी, फिलाजल की, ब्रूफिन, पेनाडोल और पता नहीं क्या क्या, वेब्रामाइसिन, टेरामाइसिन, पता नहीं क्या क्या उसमें मिक्स की हुई थी, इंड्रोमाइसिन, सारी जो है ना मेडिसिन हमने मिक्स की हुई थी। वो गोली जिस भी कबूतर को देते ना अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो जाते, लेकिन ये मादी जो है ना पता नहीं फिर भी ठीक नहीं हुई, शायद इसमें ना वायरस था। वायरस जो है ना पता नहीं ठीक ही नहीं होता, बीमार होता है ना कबूतर ठीक हो जाते, अभी जो आपको पता है ये वायरस चल रहा है। तो बाकियों को जो है ना चल के देखते हैं, बेबी विजन को और उसकी कंडीशन देखते हैं, बब्बा शेर की कैसे हैं, वो ठीक हैं कि वो भी कहीं मर तो नहीं गए। तो ये तो हमारा दूसरा नर है। हाँ बब्बा शेर किधर हो तुम? बेबी विजन तो बैठा हुआ है और थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है मुझे, देख लेते हैं इसका भी बाहर छोड़ दें और बब्बा शेर भी अपना क्रेट में बैठा हुआ है, चेक करें। पहले से तो बहुत ज़्यादा बेहतर लग रहा है, इसीलिए मैंने इसको कल जो है ना यहाँ पर छोड़ दिया था, चेक करें। ये देखें मस्ती भी करना स्टार्ट कर दी इसने, यानी कि देखें मस्ती कर रहा है वो, देखें ये भगाने आ गया दूसरे नर को अपनी क्रेट के पास से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है बब्बा शेर, ये देखें फिर जो है ना इसने मस्ती करना शुरू कर दी, लेकिन अभी जो है ना इतना ज़्यादा भी एक्टिव नहीं है, ये देख रहे हैं अब जो है ना काट रहा है पहले की तरह, पहले जो है ना बिल्कुल ही सुस्त हो गया था, यहाँ पे बैठा रहता था। तो ये तो देख कर रहे माशाल्लाह, इसको भी दो बार मेडिसिन दी थी मैंने दिन में, लेकिन जो है ना इसको अभी लेके चलते हैं, इसको जो है ना जाल में छोड़ देते हैं आज भी। तो इसको चल के जाल में छोड़ते हैं और बेबी विजन को भी बाहर निकालते हैं। चलो बेबी विजन तुम बाहर जाओ, चलो बाहर जाओ, ये चला गया बाहर बेबी विजन, और ये बब्बर शेर को पकड़ते हैं यहाँ से और इसको लेके चलते हैं जाल में छोड़ते हैं जल्दी से, ताकि आज जो है ना कड़क धूप निकली हुए, आज जो है ना ये धूप में रहे पूरा दिन। बेबी विजन भी हमारे साथ साथ आ गया, दूसरे वाले बेबी विजन को भी अभी निकालेंगे, गोले सारे अभी बंद हैं। चलो तुम जाल में जाओ, ये चला गया जाल में, देखें आज जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया ये तो। बस वो फीमेल पता नहीं क्यों सर्वाइव नहीं कर पाई, पानी में डाल देता हूँ इनको जल्दी से। तो पानी तो है ना मैंने ताज़ा डाल दिया, अभी ये लोग पी लेंगे, नहा लेंगे, इसमें जो करना होगा करेंगे, नहा भी लेंगे मेरे ख्याल में। तभी जो है ना दूसरे वाले बेबी विजन को भी बाहर निकालते हैं, वो तो ना माशाल्लाह से बड़ा तेज है, एक्टिव भी है, हेल्दी भी है। तो कहाँ है वो अभी? ओ ये देखें इसके काम देखें, यहाँ भी ऊपर चढ़ के बैठना शुरू हो गया। चलो इधर आओ तुम, आज उड़ना नहीं है तुमने, बता रहा हूँ। कल भी जो है ना टंकी पे चढ़ गया था और जो है ना फिर टंकी से ना मैं हम जब जिसको छोड़ के गया ये यहाँ पे आ गया था, यहाँ से मैं इसको नीचे उतारता और ये वो सामने बिल्डिंग पर जाके बैठ गया था इतना दूर में, पता नहीं अजीब ही, इतना छोटा सा है अभी और जो है ना इतना इसने उड़ना शुरू कर दिया। बब्बर शेर तो है ना जाल में फुल छलांगे मार रहा है बाहर आने के लिए, चेक करें मैं आपको दिखाता हूँ। वो तो ना माशाल्लाह से बिल्कुल एक्टिव हो गया है, देखें कैसे बाहर आने की कोशिश कर रहा है, वरना सुस्त था ना बिल्कुल, कोशिश नहीं कर रहा था बाहर आने की। तब भी जो है ना मैं बैठा हुआ था कबूतरों की ना थोड़ी बहुत सेटिंग वेटिंग करता, जो टैडी मादी जो मैंने आपको कहा था ना इसका बाजू में से ना खून आ रहा था, तो इसको जो है ना मैंने नहला दिया खून वगैरह साफ करने के लिए। तभी जो है ना मैं बाहर आया हूँ और एकदम ना बेबी विजन उड़ा है और मैं आपको दिखाता हूँ अब कहाँ जाके बैठा, वो चेक करें, वो बैठा हुआ सामने, ये आ गया वापस से, ये चेक करें, ये देखें अब इतना छोटा सा और देखें कैसे ठापे लगा के आ रहे छत पे, ये देखें ये आ गया माशाल्लाह। अभी जो है ना उड़ गया था और दो चक्रे मार के ना वहाँ सामने बैठ गया था, इतना छोटा था बेबी विजन है और ये जो है ना अभी से उड़ना स्टार्ट कर दिया, हालांकि इससे बड़ा वाला जो है ना वो देखें वो घूम रहा, वो जो है ना बेचारा बीमारी में आ गया, ये देखें कितना एक्टिव है माशाल्लाह, देखें कभी उधर बैठ रहे कभी इधर बैठ रहे कभी इधर बैठ रहे। दूसरा वाला जो है ना वो बीमारी में आ गया, वरना वो भी जो है ना उम्मीद थी कि इसी तरह ना अच्छा उड़ता मज़ा कराता बेबी विजन जो है ना, लेकिन पता नहीं वो थोड़ा कमज़ोर सा हो गया ना, अभी उड़ता ही नहीं है। तो बाकी इस मादी के भी ना मैंने कल ही पर खोले हैं ना, लकवे वाली मादी है, जोड़ों के लिए लाए थे, ये भी देखें दाना मांग रही है मेरे से अभी। तो अभी जो है ना इसका भी डर लग रहा है मुझे कि ये भी ना कहीं ऐसे नहीं उड़ते गिर और ही गिर जाए, तो इसको जो है ना मैं सोच रहा हूँ बंद ही कर देता हूँ। पर तो मैंने इसके खोल दिए, काफ़ी टाइम से बंधे हुए थे तो मैंने सोचा पर ख़राब हो जाएंगे, इससे अच्छा है कि मैं खोल देता हूँ पर, तो इसके मैंने पर खोल दिए। तो अब जो है ना तुम बस गिरना नहीं इधर उधर, हमारी छत पर ही रहना। तो अभी जो है ना बब्बा शेर ना काफ़ी ज़्यादा ना जो है ना छलांगे मारता, तो मैंने जो है ना इसकी फीमेल भी ला के यहाँ पर छोड़ दी और जो एक गोला पेयर हम लोगों ने ब्रीडिंग में डाला हुआ था ना वो भी मैंने ला के बाहर ही छोड़ दिया, देखें वो नफ्ती फीमेल और वो हरा मेल।
तो इनको भी जो ना मैंने ला के बाहर ही छोड़ दिया। इन्होंने ना अंडों की तैयारी करना ही छोड़ दी। उस टाइम पे अंडे दिए थे, बच्चा निकाला काबलियों का, लेकिन मर गया। अब जो है ना ये दोबारा अंडे ही नहीं दे रहे, ना ही अंडों की तैयारी में है। बस वहाँ पे बैठे हुए हैं और दाना खाते रहते हैं, दाना खाते रहते हैं। कुछ काम वाम तो कर नहीं रहे, ब्रीडिंग कर ही नहीं रहे। तो मैंने इनको बाहर निकाल दिया। अब इनकी जगह ना कोई काबली पैर ही डाल देंगे उस क्रेट में, क्योंकि ना हमारे पास क्रेटें वैसे भी कम हो रही हैं। तो काबली पैर मैं सोच रहा हूँ डाल दूँ, ये भी नर है और ये वाली मादी। मैं ना पैर बना रहा हूँ अभी, तो इसको जो है ना फिर ब्रीडिंग में डालेंगे इंशाल्लाह। और एक और भी पैर बना रहा हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ। मैंने तो उनको बंद भी कर दिया, वो तो मैं भूल ही गया आपको दिखाना। ये चेक करें, ये जो है ना पूरा पैर बना रहा हूँ, लाखा जौनसिरा और कलसिरा जौनसिरा नर, कलसिरी जौनसिरी मादी और लाखा जौनसिरा जो है ना हमारा समझ लें नर हो जाएगा। तो ये जो है ना पूरा पैर बना रहा हूँ, लेकिन ये जो है ना यहाँ पे तो मुझे नहीं लग रहा पैर बनाएंगे, क्योंकि जगह काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। नर जो है ना मस्ती नहीं कर रहा, दोनों को बाहर आने की पड़ी हुई। तो इनको किसी क्रेट में बंद करना पड़ेगा या तो उस पेटी में बंद करना पड़ेगा। उस पेटी के ना इतना ज़्यादा गैप है ना कि वहाँ से बाहर आने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बंद किया था। लेकिन यहाँ भी जो है ना छलांगे मारे, तो कहीं और इनको बंद करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। अभी जो है ना मैं थोड़ी देर के लिए ना नीचे गया था, तो जो कबूतरों के पर वगैरह नहीं है ना, इनको मैंने बंद वगैरह कर दिया था। और जो है ना वो मादी भी जो मैंने नहलाई थी उसको भी जाल में कर दिया था, और जो मादी लकवे वाली जिसके पर खोल दिए उसको भी जाल में कर दिया था। तो यहाँ पे जो है ना जाल में काफ़ी ज़्यादा कबूतर हो गए, पट्ठे को भी जाल में कर दिया था। तो ये तीनों चिक्स भी जो है ना मैंने खोले थे, अभी जो है ना यहाँ अंदर घुस गए। और मैंने जो है ना ये पैर लगाने के लिए छोड़ा है, लेकिन चेक करें कैसे बाहर आने की कर रहे हैं दोनों के दोनों। वब से जब से डाल के इनको गेहूँ ना होते, मादी नर को मार रही है उल्टा, अजीब ही सिस्टम हुआ है इनका। पैर लगा रहा हूँ पैर ही नहीं लग रहा, और इसको देखें किधर अंदर मुँह मार रहा है, पागल हो गया ये। चलो भाई बाहर जाओ, तुम लोग बाहर निकलो यहाँ से, यहाँ पे किधर आए हो तुम लोग हैं, चलो बाहर भाग जाओ। तो ये पट्टी भी जो है ना इंशाल्लाह मुझे लग रहा है सेट हो जाएगी। भाई ये ना सोकड़े में आई हुए, खाना वाना खा रही है, लेकिन इसको जो है ना जान लग नहीं रही समझ लें। तभी जो है ना ये वाली मादी और बाहर से ना एक नर पकड़ना है, इनका भी पैर बनाना है। तो उसको पकड़ के ना क्रेट में डाल के चेक करते हैं, क्या पता इनका पैर बन जाए। वो तो लगा नहीं रहे आपस में पैर, उनका बाद में कोशिश करेंगे लगाने की। अभी इस मादी का पैर लगाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं किधर बैठा हुआ है वो नर, किधर गया ये बैठा हुआ है। इसको नीचे उतारते हैं और इसको पकड़ के बंद करते हैं क्रेट में। तो इस वाले पैर को जो है ना बाहर निकाल देते हैं, ये लोग बाहर जाएं, फिर जो है ना दूसरा पैर डालते हैं इसमें, देखते हैं वो लगता है कि नहीं लगता। चलो बाहर भाग जाओ, दोनों बाहर आ गए। अब जो है ना इस नर को अंदर डाल देते हैं, फिर जो है ना फीमेल को भी अंदर करते हैं। तो ये नर चला गया। अब ये भी जो है ना यहाँ से बाहर आने की कोशिश ना करें, यहाँ पे भी ज्यादा गैप है, यहाँ पे भी ज्यादा गैप है। तो ये फीमेल है जो है ना, इसको भी अंदर डाल देते हैं जल्दी से। तो दोनों को जो है ना बंद कर दिया। अब जो है ना सारे कबूतर यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, वरना वो जो है ना डिस्टर्ब होते रहेंगे। चलो तुम बाहर भाग जाओ, तुमने पैर तो लगाया नहीं, चलो बाहर भाग जाओ। सारे जो है ना यहाँ से बाहर कर देते हैं, ताकि ये जो है ना अकेले अकेले हो जाए। और जो है ना उम्मीद है कि अब ये वाला पैर जो है ना बन जाए शायद मेरे ख्याल में। तो देखते हैं इनका बनता है कि नहीं बनता है। अब ये नर भी बाहर आने की कोशिश कर रहे, देखें वो देखें। ये इस क्रेट में ना सही पैर नहीं लगते, दूसरी क्रेट लेकर आनी पड़ेगी जिसमें पैर लगाएं। तो दोस्तों मैं ना अभी आया हूँ, और देख रहा हूँ कि ताने ना जोड़ा लगाने के लिए ना पैर लगाने के लिए ना यहाँ पे बन गया हुआ है। और लेकिन ये उटक उटक तो नहीं रहे, पता नहीं क्या जोड़ा लगाया भी है या नहीं लगाया, पता नहीं। ये तो अब चेक करना पड़ेगा। दोनों ना चुप चुप बैठे हुए, उदास से बैठे हुए, और पता नहीं शायद दाना वगैरह खाया भी है या नहीं खाया, पता नहीं कब से बन गए हैं। और इधर एक कबूतरी को पता नहीं क्यों बन गया हुआ है, तो पता नहीं इसको क्या हुआ है, ये भी शायद भूखी हो रही है, चेक करें। और तो मेरे को लग रहा है शायद इसके ताने पर वगैरह भी खोल लिए, हाँ पर भी खोल लिए, चेक करें। मेरे को तो पता ही नहीं, अच्छा हुआ मैंने देख लिया इसको, वरना तो मैं बाहर निकालता तो ये इसने तो ना उड़ी जाना था फिर। और ये जोड़ ये भी जोड़ों के लिए लाए हम लोग, तो ये उड़ी जाती ना तो बड़ा नुकसान हो जाता, क्योंकि ऐसी मादियाँ ना फिर मिलती भी नहीं है भले पुराने लकवे में, लेकिन बड़ी अच्छी मादी है कि ब्रीड वगैरह करेंगे। तो देखें यहाँ पे तो चुप चुप बैठे हैं वो, पता नहीं क्यों घुटक ही नहीं रहा वाला नर जो है ना, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो इनको ना दाना पानी वगैरह खिलाएंगे, फिर इनका जोड़ा वगैरह लगाएंगे, और गोले वगैरह भी बन किए हैं, गोले वगैरह भी ना सही मज़ा नहीं कर रहे, उड़ नहीं रहे सही तरह। तो मेरे को लग रहा है और दो तीन कबूतर भी नए नए लग रहे हैं इधर, वो चेक करें। ताने वहाँ से भी ना निकाल दिए एक जोड़े को ना, गोले वाले जोड़े को, हाँ वो नफ्ता और ये एक और था अभी मैंने, और हरे को भी ना ताने निकाल दिए, पता नहीं क्यों निकाले, शायद ये लोग ब्रीड वगैरह नहीं कर रहे होंगे वहाँ पे, ऐसे टाइम पास कर रहे होंगे, खाली दाना खा रहे होंगे, तो इस वजह से ताने निकाल दिया होगा इन लोग को। फिलहाल मैं भी ना बाहर आ चुका हूँ, तो मैं तो ना आ ही नहीं रहा दो तीन दिन से ना, छत पे बिल्कुल ना टाइम ही नहीं मिल रहा, क्योंकि काम की वजह से काम इतना होता है कि टाइम बहुत कम मिल रहा है। तो जैसे ही टाइम मिलता है मैं ऊपर आ जाता हूँ, तो आज व्लॉग बना लेता, इस वजह से ना मैं आ नहीं पा रहा हूँ व्लॉग में ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप लोगों ने इंशाल्लाह सपोर्ट करनी है हम लोग को। और चूजे वगैरह भी ना बहुत मार रहे हैं कबूतरों को ना, पता नहीं क्यों मार रहे इतना, और कबूतर ना बराबर में भी उतर रहे हैं, पता नहीं क्यों क्या वजह है।
आदत ना इनकी ख़राब हो रही है। एक दो कबूतर हैं उनकी ना आदत ख़राब हुई हुई है, वो लोग ना वहाँ पे उतरते हैं और कबूतर भी ना देख के ना उतर रहे हैं उन लोग को देख के, तो इसी वजह से ना सारा ना सिस्टम ख़राब हुआ हुआ है। तो सफाई वगैरह भी करनी है, पिंजरा देंगे कितना गंदा हुआ है। और बारिशों के ना सीज़न स्टार्ट होने वाले हैं, आप लोग को दिखाता हूँ, ये चेक करें, बादल ही बादल आए हैं पूरे पूरे पे। पर बंदे वगैरह भी ना बीमार हुए, ये चेक करें, ये भी बीमार हुई है। तो अभी जो है ना ब्रीडिंग वालों को जो है ना दाना नहीं डाला शाम का, तो सुबह में जो है ना इतना डाला था कि जितना ना इन लोगों ने खुद खा के ना बेबीज को फीड कराया होगा और खुद का ना इनका पेट खाली होगा, तो अभी जो है ना इनको दाना डाल देते हैं, लेकिन उन्होंने दाना डालने की भी जगह नहीं बचाई, तो अब दूसरे वाले प्याले में डाल देते हैं ताकि यहाँ पर भी आ जाएं काफी सारे कबूतर, तो देखें यहाँ से भी खा रहे हैं। अब जो है ना मैं डालता हूँ सही का कि इनका ना कल तक गुजारा हो जाए, अभी बेबीज को भी फीड करा दें और खुद भी खा लें और जो है ना इनका अपना गुजारा हो जाए ताकि, तो इस वाले में भी डाल देते हैं, इसमें ना बहुत कम डालें, तो यहाँ पे जो है ना देखें जगह ही नहीं दे रहे मुझे दाना डालने के लिए भी, तो मेरे ख्याल में इतने काफ़ी होंगे, तो ये जो थोड़े बहुत बचे ना ये बाहर वालों को डाल देंगे, तो उनको भी जो है ना चने खिलाते हैं, देखते हैं वो कैसे शौक से खाते हैं कि नहीं खाते हैं। गोलू वगैरह को मैंने खिलाए तो दे चने, लेकिन जो है ना इनको बहुत कम खिलाता हूँ मैं बाहर वालों को, काबलियों को, तो इनको जो भी ना डाल लेते हैं यहाँ पे चने, तो बेबी विजन देखते हैं नीचे उतरता है नहीं उतरता है दाना खाने के लिए, यहाँ पे चने खाने के लिए काफ़ी सारे मैंने फेंके और ये तो जाल पे चला गया, देखें वो देखें काम चेक करें, इसके ऐसे ही भूखा बेचारा रह जाएगा, इसको जो है ना ब्रीडिंग में डालता हूँ, हो सकता है वहाँ से खा ले खुद से, या जिसको फादर जो है ना वो इसको फीड करा दे, क्या बता। दोनों बेबी जिनको ना मैंने ला के ब्रीडिंग में डाल दिया, अब यहाँ से जो है ना सही दाना वाना खा लेंगे लोग पेट भर के, क्योंकि बाहर जो है ना कबूतरों को कम दाना डालते हैं और जो है ना ऐसे फैला के डालते हैं ना, तो ये खा नहीं पाते बेबी विजन जो होते हैं ना, इसीलिए इनको अंदर डाल देता हूँ मैं ताकि अंदर से ना अच्छे तरीके से दाना खा लें। तो फिलहाल वीडियो को ना आज यहीं पे एंड करते हैं, जैसा मैंने सोचा था ना वैसा तो हुआ नहीं, वो प्यार जो है ना लगा नहीं, फैसला साथ भी ऊपर आए थे और उन्होंने मेरे मोबाइल से ब्लॉग भी बनाया, मैंने अभी देखा, तो जो है ना वीडियो को फिलहाल आज यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।